नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ एक रेलवे का स्टॉक के बारे में। और ये जो स्टॉक है टोटली गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और मतलब पीयूसी सेक्टर है। और ये जो स्टॉक है वो फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। और स्टॉक का रेंज भी आप देखेंगे, करीबन देखा जाए 30 रुपीज़ के अंदर है, तो बहुत सस्ते में कंपनी मिल रहा है। तो इस टाइप स्टॉक में आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है। सिर्फ प्राइस रेंज कम है तो बहुत सारे इन्वेस्टर पहले प्राइस रेंज को देखता है, तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर छोटा प्राइस रेंज में ही स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो आपको छोटा टाइप स्टॉक में खरीदारी करना है, मतलब छोटा प्राइस का स्टॉक में खरीदारी करना है, तो इस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसका फंडामेंटली ग्रोथ अच्छा है और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के न्यूज़ और अपडेट्स चाहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स, क्योंकि सबसे पहले आपको कोई भी कंपनी चूज करना हो तो उसका फाइनेंशियल डिटेल्स आपको चूज करना, मतलब देखना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स खराब है, मतलब कंटिन्यूअसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस खराब की तरफ जा रहा है, तो इस टाइप स्टॉक से सबसे पहले आपको भाग जाना है, क्योंकि इस टाइप स्टॉक फ्यूचर के लिए आपको खतरा बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंपनी का, तो 2017 में 5-6 करीबन देखा जाए 6,000 करोड़, 18 में 7,500, 19 में 10,000, 2020 में 14,500, 2021 में 15,000 करीबन 400 तक आपको यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है। तो देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी इतना अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है, तो मतलब आप मान के चलिए कंपनी कितना ज़बरदस्त है। उसके साथ आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, 381 करोड़, 2018 में 469 करोड़, 19 में 589 करोड़, 2020 में 769 करोड़ और 2021 में 922 करोड़। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ अप टेन में ही जा रहा है, कभी भी डाउन टेन में नहीं गया। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर आप देख लीजिए, 2 रुपीज़ था 2017 में और अभी कौन सा चल रहा है 4.42 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर में आपको अर्निंग हो रहा है 4.5 रुपीज़ करीबन, तो अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर भी है। और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, यहाँ पर रिटर्न पर इक्विटी भी अच्छा है, 16 रुपीज़ पर एनम आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मिल रहा है। डेप्थ देख लीजिए कंपनी के पास, डेप्थ भी थोड़ा सा डेप्थ है, 1.02% का थोड़ा सा कंपनी के पास डेप्थ है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखा तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास है 78%, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का स्टेक है तो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास ही यहाँ पे शेयर रहने वाला है, प्रोमोटर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। एफआई के पास देखिए करीबन देखा जाए 0.25%, डीआई के पास करीबन 9.27%, पब्लिक के पास 12.29%, और आदर्श के पास कुछ भी शेयर यहाँ पे गिर भी नहीं रखा है, मतलब होल्ड नहीं का। तो आप यहाँ पे बताएंगे, मतलब बहुत सारे दोस्त मेरे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास है, उसके बाद एफआई के पास डीआई के पास इतना कम क्यों है, क्योंकि कम का मतलब इसका यही है क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देखेंगे तो बहुत स्लो मूवमेंट में चल रहा है। तो देखिए जो एफआई और डीआई होता है वो उसका ज़्यादातर वो स्टॉक में मतलब निवेश करना चाहते हैं जो अच्छा खासा रिटर्न 2-3 सालों के अंदर ही दे दे। तो ये स्टॉक आपको 2-3 सालों में अच्छा खासा रिटर्न नहीं देंगे, करीबन आपको 10 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाने से पहले मैं और भी कुछ चीज़ दिखा देता हूँ कंपनी का। देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 6,000 करोड़, मतलब कंपनी अभी स्मॉल कैप के अंडर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिक्सी गेम खेलना होगा, क्योंकि स्मॉल कैप से बिलोंग करते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपया है और पी ओ रेसी देखिए 6.57 पी ओ रेसी भी यहाँ पे देखा चुका है। पी ओ रेसी अभी एकदम लो प्राइस में चल रहा है, डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा दे चुका है, 0.48% का डिविडेंड कंपनी के पास, कैश फ्लो 9 मतलब करीबन देखा जाए 1,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश फ्लो भी है। डेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है 4,500 करोड़ का, फिर भी देखिए कंपनी अच्छा खासा
कमा रहा है तो फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं। और कंपनी का जो पी रेशियो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का जो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी है, अब देखते हैं मतलब सेल्स ग्रोथ कितना अच्छा है, 44% 1 साल में, 34% 3 साल में, 35% 5 साल में। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, 30% 1 साल में, 27% 3 साल में, 5 साल में 33%। तो अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी, अब अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखने को मिल रहा है, तो 19.17% पर ईयर आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस है, सिर्फ इसका डेप्थ ज़्यादा है। इसको देखकर आप निवेश नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न नहीं बना पाओगे, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो डेप धीरे धीरे कंपनी कम भी कर देंगे। तो कंपनी का और भी कुछ चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व है, मतलब कितना रिजर्व एंड सरप्लस है, पिछले सालों में 2400 करोड़ था, अभी इस साल में 2800 करोड़ हो चुका है। कंपनी का लॉन्ग टर्म जो बोरिंग है, मतलब कंपनी के पास जो मतलब कर्जा है वो 5600 करोड़ का है अभी इस साल में, पिछले साल में 4200 करोड़ था। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में कोई भी बोरिंग नहीं है, मतलब कोई भी मतलब कर्जा नहीं लेके बैठा है। तो कंपनी का नाम आप एक बार देख लीजिए, कंपनी का नाम है यहाँ पे RVNL, मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड, रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है कंपनी, बहुत अच्छा कंपनी है। और इसका प्राइस रेंज देखिए, हाई था 35, अभी चल रहा है 29.75, मतलब करीबन देखा जाए 30 रुपीज़ के अंदर। कंपनी अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे उठ रहा है, 38% डिलीवरी उठ चुका है। कंपनी का इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे 1 रुपया मतलब करके कंपनी 3 बार डिविडेंड भी दे चुका है। इसका चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, कंपनी अच्छा खासा पिछले दिनों में 2% का अप ट्रेंड, और 6 मंथ में आपको कंपनी का 6% लॉस, और 1 साल में आपको 55% का प्रॉफिट, और मैक्सिमम 50% का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, यही मैं बताने वाला था। तो आप इसमें स्टडी करिए और फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, और आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और उसके डिटेल्स पता नहीं है। तो इसी तरीके से मैं नया से नया स्टॉक लेकर आज हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।